दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मेरे मन को लगी थी भूख। आज मेरे को इतनी ऊंघ आ रही थी, मेरे मन को भूख लगी थी, तो उसने मुझे उठाया और बोला मम्मी मेरे को भूख लगी है, खाना दो। मैं आपको बता दी थी ना कि मेरे मन को भूख तभी लगती है कहीं आप सो रहे हो या सिलाई काम के लिए संचय पे बैठे हो, मेरा काम करती हूँ ना, तभी मेरे मन को भूख लगती है। तो अब मेरा मन खाना खाने बैठा है, तो खाने में लेकर बैठा है भाखरी और गुड़। गुड़ गुड़ क्या? देखो मेरे मन की भाखरी और गुड़ मैंने दोनों साथ में लगा दिया है, तो अब मन बैठकर खाना खाएगा। 7 बज गए हैं, तो शाम के 7:45 बजे हैं, तो सिलते सिलते कब शाम हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। तो अब तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई है, तो मेरे पीछे मेरा मन भाई देखो जिबलिंग कर रहा है। तो आज रसोई में क्या बनाना था वो भी सिलते सिलते सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे को याद आया कि फ्रिज में गलका है, तो आज मैं गलके की सब्जी और भाखरी बनाने वाली हूँ। तो मेरी सिया को मैंने गलके छोलने के लिए और सुधारने के लिए बिठा दी है, तो ये सब्जी सुधर रही है और मैंने आटा भी बाहर निकाल लिया है। सू बोलो हैं, सू जो यहाँ फोन जो ही है केम थोड़ी क्वार जो फोन पहला ओली बारी खोल नाख हाल। तो मैं मेरे बच्चे को बहुत फोन देखने नहीं देती हूँ, तो रसोई के टाइम पे वो मेरा फोन खेलने के लिए गेम खेलने के लिए ले लेता है, तो अभी वो थोड़ी देर खेलेगा फिर मैं वापस मेरा फोन। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ घूम पर और थोड़ी बहस चल रही के दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो अभी क्या है के इतनी राजकोट सिटी में अभी रोड पर ट्रैफिक है, उसकी बात ना पूछो। तो मैडम को समझा रहा, मैडम कल तुम 5:30 बजे मुझे कॉल करना और मैं बोलूँ तो मोन पेंटालूज के आ जाना। मैंने आज भी फोन किया था तो आज भी टाइम नहीं था, तो कल भी आपके पास टाइम रहेगा। पहला फ्री हो जाऊंगा क्योंकि अभी बिजनेस दिवाली का माहौल है तो फ्री नहीं हो रहा है। हम पहले खरीदी कर लेंगे फिर अपने वापस घर पे आके खाना खाएंगे। तो अभी बन रहा है चपाती और किसकी सब्जी है गलके की, गलके को हिंदी में क्या बोलते हैं? गलके कहते हैं, वो गलका का फोटो दिखाऊंगा हिंदी में क्या बोलते मुझे आइडिया नहीं है, पर हमारा फार्म का ही आयला हुआ है गलका, तो गलके का आप क्या बोलते हैं मुझे समझाना। तो अभी मैं शू सर यार बहुत बेस्ट चप्पल सही पैर नहीं यार, तू पहला तेरे भाई बहन ने बता इनकी नो गमे तो बदले माना उन्हें के ना हाँ वाला मंथन ने के माटे मैं चप्पल की जोड़ी ली और चप्पल की पैर ली और उसको नहीं गम रहा, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ यार मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो लड़के ऐसा होना चाहिए कि इसकी बाप की भी चॉइस पहनना चाहिए, तो इसकी बाप की चॉइस नहीं क्यों नहीं पहनते कि मेरा एक विचार है कि हम जो हमारा दूसरा लड़का है उसको दे दो घर वो। या दोस्तों मैंने आज एक चपाती बनाई है, बेली है चपाती बेली है मैंने अभी, जो मेरा दादी माँ मेरे लिए बनाता ना ऐसी आज मैं लुक दिया है, मैं दिखाता हूँ। तो ये चपाती बना के मेरे को मेरी दादी माँ की याद आ गई। पहली बार बनाई आपने? नहीं मैंने पहली बार बनाई, पर मेरी दादी माँ ऐसी जो ऐसे हम लोग करवाते करते देते ऐसे हाथ से और ये ऐसा ऐसा हम करते थे, और मेरा दादी माँ का आपको भी दादी माँ है और दूसरा दादी माँ और मेरा दादा है। जिस टाइम वो मुझे मैं मेरा स्कूल के टाइम था मेरा बच्चा जितना जेवड़ा था तब मुझे ऐसी बात और बहुत टेस्टी बनती थी के चूल्हे पे बनती थी और ये टेस्ट बनता था और अलग लुक था। और जो गांव में लेते रहते अभी इंडिया में जो गांव में रहते हैप्पी मानसो है सिटी करता। जी हाँ दोस्तों, अभी शाम के 8:30 बजने वाले और हम लोग शाम का जो डिनर करने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ है और मेरा सन है जिसके नाम चैनल है मन पटेल ब्लॉग। अभी जिसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और ये चपाती जो मैंने मेरी दादी माँ बनाती थी इसी से इस साइज से और ऐसी डिजाइन से मैंने बनाई और थिकनेस देखो आप चढ़ाई चौड़ाई देखो। तो अभी मैं उसका चूरमा करूँगा चूरमा, फिर ये सब्जी डालूंगा गलके की सब्जी और इसमें ग्रीन मिर्चा डाला है हमने। तो मेरी बीवी को बोलता हूँ, बीवी को बोलता हूँ मेरी बीवी ना मेरी बीवी थोड़ा चूरमा कर दे, उसमें साग डालो सब्जी डालो और साथ में क्या है छाछ है ग्रीन मिर्ची की चटनी है साइड में ओनियन की ओनियन सॉरी आलू की चिप्स चिप्स है
ग्रीन मर्चा है और गुड़ है। डिनर आप क्या करते हैं, कौन सा राज्य से पीलो करते हो और क्या डिनर करते हो, मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि मिडिल फैमिली में कैसा जीवन जीते हैं, मिडिल फैमिली के सामने कैसा परिस्थिति आती है उसके हिसाब से हमें ब्लॉग बनाते हैं। हम कोई मनोरंजन का ब्लॉग नहीं बनाते और जो इनकम आती है हमारी जो यूट्यूब से हम 50% हम सेवा में वापरते हैं और हम लोग आपको वीडियो भी दिखाते हैं, तो लाइक करना शेयर करना। अभी हम लोग डिनर करते हैं, चलो डिनर करवा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं राजकोट सिटी के अंदर याग्निक रोड पर, जो मन का चप्पल क्या संडे ले आए थे वो चेंज करवाना है, तो अभी मिलके मार्केट। हेलो गाइस, अभी शाम के 8:30-9:15 बज गए हैं और हम निकले थे हमारे मन के चप्पल बदलाने के लिए, तो अब हम आ गए हैं पेंटालून में खरीदी करने के लिए, तो अब देखते हैं क्या लेते हैं, पसंद आता है या नहीं। क्या करते हो खरीदी? अजी तो देख रही हूँ, हम तो आ रही यस दोस्तों, हमें लोग अत्यारे वापस खरीदी करके आ चुके हैं, अभी आइसक्रीम लेने का थे तो रास्ते में आइसक्रीम लेने का रुके, तो आइसक्रीम वाले की शॉप तो वेट कर रहे हैं। इस ब्रांड का ही हमको टेस्ट करना है, मोजिलो कैसी है ब्रांड और कैसा टेस्ट आपको बताएंगे, अभी भाई आ रहे हैं। तो अभी आइसक्रीम वाले की शॉप पे है, आइसक्रीम वाला भी गया है। कौन सा लेना है? तो मैडम को जेली जेली फ्लेवर, देखते हैं जेली जेली कैसी आती है। तो आइसक्रीम की शॉप है, जी हाँ दोस्तों, अभी आ गए मार्केट से रिटर्न, क्योंकि मन का जे चप्पल चेंज करना तो चेंज कर लिया और रास्ते में जो आइसक्रीम वाला दुकान पे खड़े थे तो आइसक्रीम लिया, और अभी मैडम ने आइसक्रीम वाला नहीं था तो सामने कुर्ती की दुकान थी, तो अब तो मालूम ही है लेडीज को जैसे ही क्लोथ कपड़ा की दुकान देखते तो क्या करते, दिखाता हूँ। कैसी है कमेंट करना दोस्तों, कैसी लग रही है, कलर कैसा है, दो कुर्ती और दिवाली के फेस्टिवल ऐसे यहाँ पे राजकोट में तो खास कर किया ट्रैफिक, और अभी हम लोग रास्ते से जो आइसक्रीम लिया है वो भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सभी तो सर्दी है, सर्दी हो जब होती है तब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। मटी जाए मटी जाए, चलो आइसक्रीम खाओ, कमेंट कीजिए दोस्त।